अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। स्लीप एक पोइम है जो हमने परसों पढ़ी थी, तो कल हमने इसके क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम आते हैं इसकी लैंग्वेज वर्क पर। तो पहला है, द पोइम हैज़ ए फिक्स्ड राइम स्कीम, फॉर एग्जाम्पल बीज सीज। फाइंड द अदर राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोइम। हमें राइमिंग वर्ड्स देखने हैं पोएम में जो इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ पर है बाई सिकाई, बी सीज, लाई क्राई, मेलाडीज, ट्रीज, ले डे, वेलत हेलत, इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद है फ्लॉक ऑफ शीप, रेफर्स टू ए लार्ज नंबर ऑफ शीप टेकन टुगेदर। फ्लॉक ऑफ शीप क्या होता है, जो बहुत सारे शीप इकट्ठे होते हैं तो उनको कहते हैं ए फ्लॉक ऑफ शीप। हियर द वर्ड फ्लॉक इज ए कलेक्टिव नाउन, जो वर्ड फ्लॉक है ये कलेक्टिव नाउन है। रिमेंबर यू स्टडाइड क्वालिटिव नाउन्स इन प्रीवियस क्लासेस, ये आपने पढ़ा है। क्वालिटिव नाउन क्या होता है, ये वो नाउन होता है जो कि खुद तो सिंगुलर होता है लेकिन ये एक ग्रुप को रेफर करता है। ए क्वालिटिव नाउन इज़ ए नाउन दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट रेफर्स टू ए ग्रुप, एक ग्रुप को रेफर करता है। तो अब हमें यहाँ पर ये कहते हैं कि नो मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। एन आर्मी ऑफ, यहाँ पर बीज है। ए बैंड ऑफ, यहाँ पर हॉर्सेज है। ए चैन ऑफ, यहाँ पर लाइनज है। फ्लाइट ऑफ, यहाँ पर केमल्स है। हर्ड ऑफ पपीज़ है। तो ये सारे जो हैं इनको हमें मिलाना है कि आर्मी के साथ क्या आएगा, बैंड के साथ क्या आएगा, चेन के साथ क्या आएगा, फ्लाइट के साथ क्या आएगा। तो यहाँ पर आंसर इसका मैंने लिखा है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशंस, जब बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं तो उसको आर्मी कहते हैं। ए बैंड ऑफ म्यूजिशंस, जब बहुत सारे म्यूजिशंस कहीं पर होते हैं इकट्ठे तो उनको कहते हैं बैंड। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, अगर बहुत सारे पहाड़ हों तो उनको चेन बोलते हैं। ए फ्लाइट ऑफ लोकस्टस, अगर लोकस्टस बहुत होते हैं तो उनको ए फ्लाइट कहते हैं। ए हर्ड ऑफ डियर, जो डियर है उसकी जो उसका जो झुंड होता है उसको हर्ड कहते हैं। ए लिटर ऑफ पपीज, अगर कहीं पर बहुत सारे कुत्ते हों छोटे छोटे तो उनको लिटर कहते हैं। ए सिट्रिंग ऑफ केमल्स, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ केमल्स हों उनको सिट्रिंग ऑफ केमल्स बोलते हैं। ए प्राइड ऑफ लाइनस, इसी तरह है ए टीम ऑफ हॉर्सेस, और है ए हाइव ऑफ बीज। उसके बाद है द पोइट यूजेस द एक्सप्रेशन द साउंड ऑफ रेन एंड बीज मर्मरिंग। तो यहाँ पर जो पोइट ने इसमें इस्तेमाल किया एक जगह पर मर्मरिंग, ये एक लो डिस्टिंक्ट इंडिस्टिंक्ट साउंड है, ये रेन के लिए इस्तेमाल की गई है पोएम में, या बीज के लिए भी इस्तेमाल की गई है, उनकी साउंड मर्मरिंग होती है ऐसे। तो एज़ यू नो डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स एंड क्राइज, जैसे कि आप जानते हैं कि जब जो बर्ड्स होते हैं एनिमल्स होते हैं वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, मुख्तलिफ साउंड्स निकालते हैं। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स बर्ड्स, मैच देम विद देयर क्राइज साउंड्स। यहाँ पर एनिमल्स टेबल में दिए गए हैं एक साइड में और दूसरे साइड में दिए गए हैं उनके साउंड और क्राई, हमें उनको मिलाना है। यहाँ पर आसिस हैं, बीज हैं, कैट्स हैं, कू हिस क्राई। यहाँ पर केमल्स, क्रोज, हैनस, डक्स, ईगल्स, फ्लाइज, टर्कीज, वुल्व्स, लाइनस, टॉक, ब्लीट, चैटर, रोर, गॉबल, हाउल, बज, स्क्रीम, कॉक, फ्रॉग्स, मंकीज, पैरट्स, शीप, स्नेक्स, स्वैनस, पिजनस। इस तरह है ब्रे, क्लक, कॉ, ग्रंट, पर और मेव, हम, क्रोक। आंसर है आसस जो होते हैं वो ब्रे, उसकी उनकी आवाज़ को ब्रे कहते हैं। जो बीज होते हैं उनकी आवाज़ को बज कहते हैं। कैट्स, उनकी आवाज़ को पर या म्याऊ कहते हैं। केमल्स, उनकी आवाज़ को ग्रंट कहते हैं। क्रोज, उनकी आवाज़ को का कहते हैं। हैनज, उनकी आवाज़ साउंड को क्लक कहते हैं। डक्स की साउंड को काक कहते हैं। ईगल्स, क्रे। इस तरह फ्लाइज, हम, फ्लाइज की जो साउंड है उनको उसको हम कहते हैं। टर्कीज़, गॉबल, टर्कीज़ की साउंड को गॉबल कहते हैं। वुल्व्स, हाउल, वुल्व्स की साउंड को हाउल कहते हैं। लाइनस, रोर, लाइनस की साउंड को रोरिंग कहते हैं। पैरट्स, टॉक, पैरट्स होते हैं उनकी साउंड को टॉकिंग कहते हैं। शीप, ब्लीट, शीप की आवाज़ को ब्लीट कहते हैं। स्नेक्स, हिस, स्नेक्स की साउंड को हिस कहते हैं। एंड पिजन जो होते हैं उसकी जो साउंड होती है उनको कू कहते हैं। तो इस तरह ये था इसकी लैंग्वेज वर्क। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और उसको मेमोराइज़ कीजिए। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।